हेलो फ्रेंड्स, एमपीजी किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जिमीकंद की सब्ज़ी बताने वाली हूँ। जिमीकंद की सब्ज़ी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्ज़ी है। अगर जिमीकंद की सब्ज़ी मिल जाए तो बाकी सब्ज़ी भी फीका लगता है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए हो तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो 250 ग्राम यहाँ जिमीकंद ले लिए हैं, उसको साफ अच्छे से धो देंगे क्योंकि जिमीकंद में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी रहता है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा धोने से 2-3 बार अच्छे से निकल जाएगा। ज़्यादा मिट्टी रहेगा तो थोड़ी देर के लिए भिंगा सकते हो। उसके बाद अच्छे साफ धोने के बाद कट कर लेंगे। काटने के बाद इसको और साफ पानी से धो लेंगे ताकि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद एक पतीले में डाल देंगे, उसके बाद डाल देंगे पानी उबालने के लिए। उसके बाद इंडक्शन में चढ़ा देते हैं और कटा वाला नींबू डालते हैं। जिमीकंद दो प्रकार के होते हैं, एक खुजली वाली एक बिना खुजली वाली। तो ये तो बिना खुजली वाली है, तो सिर्फ आधा कटा नींबू डाल रहे हैं। खुजली वाली रहेगी तो एक नींबू डाल दीजिएगा, या इमली आम जो कुछ आपके घर में खट्टा हो उसको डाल दीजिएगा, उससे इसका खुजली कम हो जाता है। जिमीकंद की ग्रेवी बनाने के लिए हम लोग लिए हैं 4 हरी मिर्ची, थोड़े से हरी धनिया के पत्ते गार्निश के लिए, और कच्चा मेथी, छोटा सा प्याज और थोड़ा सा लहसुन की कली, 5 मीडियम साइज के टमाटर और छोटे से अदरक। अदरक लहसुन प्याज को छील लिए हैं। उसके बाद पेस्ट बना लेंगे और टमाटर मेथी धनिया मिर्ची को बारीक चॉप कर लिए हैं। फॉक से जिमीकंद को चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल अंदर जा रहा है, अच्छे से पक गया है। उसके बाद इंडक्शन को बंद कर देंगे। ठंडा हो जाने के बाद छिलके मैं काट दी हूँ, तो कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डालेंगे तेल। सबसे पहले जिमीकंद को फ्राई कर लेंगे। फ्राई से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि खुजली वाली भी रहता है, तो खुजली इसमें और कम हो जाता है, खट्टा में कम हो जाता है और फ्राई करने में भी कम हो जाता है। तो पलट पलट के अच्छे से इसको ब्राउन होते तक फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो जाने के बाद इसको निकाल देंगे और बाकी सभी को भी इसी तरह फ्राई करते जाएंगे। तो सभी को मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद मसाला तैयार करेंगे। जिसमें जिमीकंद फ्राई की थी तो उसमें थोड़ा सा तेल बच गया था, उसी में सब्जी बना दीजिएगा ताकि दूसरे दिन उपयोग में ना आए। तो यहाँ पे कच्चा मेथी ले रहे हैं, मेथी बहुत ही ज़रूरी है। कच्चा मेथी नहीं है तो कसूरी मेथी लीजिएगा, मेथी से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे पेस्ट जो बनाए थे अदरक लहसुन प्याज का, उसको भी डाल देंगे और इसको सुनहरा होने तक भून लेंगे। हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब उसके बाद डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची डाल रहे हैं, बस थोड़ी सी डाल के इसको चम्मच चलाते जाएंगे ताकि जले ना। उसके बाद डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। उसके बाद टमाटर को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे ताकि जल्दी से गल जाए। इसको चम्मच में हल्का हल्का से दबा देंगे। तो यहाँ पे मसाला रेडी हो गया है। उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची इसलिए बाद में डाल रही हूँ ताकि हरी हरी दिखे, इसलिए नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाला तो अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मसाला कढ़ाई से छोड़ने लगा है। इसी तरह आप लोग भी पकाइएगा। मसाला जब भी अच्छे से पकता है तभी सब्जी का टेस्ट भी दोगुना आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तेल भी कढ़ाई से छोड़ने लगा है। इसी तरह आप लोग भी अच्छे से पकाइएगा। अगर इसमें थोड़ी सी और खट्टी चाहिए तो थोड़ी सी दही भी डाल सकते हो, उसके बाद पानी डालिएगा। तो इसमें छोटी वाली कटोरी में डालूंगी 2.5 कटोरी पानी। 2.5 कटोरी पानी डालने पर बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बन के तैयार हुआ था। आप लोगों को ग्रेवी कम ज़्यादा करनी है तो अपने हिसाब से पानी डालिएगा। तो यहाँ उबाल आ गया है। अब उसके बाद जिमीकंद को डालेंगे। सभी को डाल दिए हैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसा ग्रेवी चाहिए वैसे बन के तैयार हो गया है। उसके बाद कटी हुई धनिया से गार्निश कर लेंगे।
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनके तैयार हुआ है। तो ठंडा हो जाने के बाद एक बाउल में निकाल देंगे सर्व करने के लिए। तो आप लोगों को कैसे लगी मेरी यहाँ रेसिपी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।